ये तो आपको पता ही होगा कि घूस लेना एक बड़ा अपराध है, तो वहीं घूस देना भी अपराध माना जाता है। बिहार के दरभंगा में SHO को जबरन घूस देने का एक मामला सामने आया और पूरी घटना कैमरे में कैद हुई है। पहले आप ये वीडियो देखिए। हेलो, ना सर भैया मंगवा सकते हैं, हम फाइन में भी जा रहा हूँ सर। उस समय सुबह में लॉकडाउन में नहीं पकड़े थे सर, तो 11 तारीख था, उसी में से एक था सर। हाँ जी, बात हाँ है भैया, 19, 30, 17, 26 हेलो, क्या नाम उनका जो पैसा मांग रहा था? रविंदर सिंह का नाम सुन रहा है। रविंदर सिंह जी कहाँ है? लीजिए पैसा लीजिए, 10,000 रुपया गाड़ी चल रही है। आप लोग को बेटा घूस का कोई काम करिएगा नहीं, घूस दे लीजिए। नहीं नहीं, आप लोग पैसा दे रहे ना, आपको घूस लेना है, आप लोगों को बेगर घूस का कोई काम ही नहीं कीजिएगा। हमको सब मालूम है, मैं बिहार नहीं मुंबई रिटर्न, नहीं पैसा आप लोग के लिए लाया ना, फोटो खींचना है, हम आपको दिखा तो आपको घूस लेना ना, पैसा हम ले रहे हैं। नहीं नहीं, आपको चाहिए पैसा ना, वो तो मालूम है, वीडियो पे आप नहीं लीजिएगा पैसा ना। दरअसल सन ऑफ मल्ला के फाउंडर एवं VIP पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी खुद थानेदार को घूस देने के लिए थाने पहुंचे और फिल्मी अंदाज में नोट की गड्डी टेबल पर पटकते हुए थाना अध्यक्ष को कहते हैं कि ये घूस लीजिए और थाने में जब्त गाड़ी को छोड़ दीजिए। अचानक नेताजी की तरफ से घूस की बात सुनकर SHO साहब भी थोड़ा असहज हो जाते हैं, क्योंकि नेताजी इस सारी गतिविधि को कैमरे में कैद करवा रहे थे। अब आप पूरा मामला खुद मुकेश सहनी से समझिए, आखिर क्यों उन्होंने SHO को जबरन घूस देने की कोशिश की। 23 मार्च का है, लॉकडाउन के समय में एक गरीब व्यक्ति का 3-व्हीलर टेम्पो पे वो कहीं जा रहा था, उसको गाड़ी को पकड़ा गया और उनको अपने प्रशासन ने अपने कस्टडी में लिया थाना अध्यक्ष ने और अपने पास रखा और उनसे 15,000 रुपये का डिमांड किया गया कि 15,000 रुपया दीजिए तो गाड़ी छोड़ेंगे। फिर 12,000 हुआ, फिर 10,000 रुपया हुआ और 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना तक थाना अध्यक्ष अपने कस्टडी में रखा और वो रिपोर्ट बना के अनुमंडल पदाधिकारी को नहीं भेजा गया और वो अपने पास रखा और उस तरीके से 10,000 रुपये का मतलब घूस चाहिए उनको कि दीजिए तो हम गाड़ी आपको ऐसे ही रिलीज कर देंगे। तो हमें हमारे पास पता चला, हमने बात भी किया था, लेकिन उसके बाद हमने 10,000 रुपये लेके आए कि अगर उनको घूसे चाहिए तो 10,000 रुपये देने के लिए आए कि आप गरीब आदमी का टेम्पो छोड़ दीजिए, क्योंकि वो बेचारा गरीब है, वो 10,000 रुपये दे नहीं सकता था। तो हमने सोचा कि 10,000 रुपये हम दे देते हैं और वो गाड़ी छोड़ लीजिए। तो उन्होंने झूठा कि नहीं, हमने अनुमंडल पदाधिकारी को हमने लिख दिया था फाइन करने के लिए। तो हमने अभी अनुमंडल पदाधिकारी से भी SDO साहब से भी हमने मिला, वहाँ पे भी हमने लेटर चेक कराया, तो वहाँ पे SDO साहब के पास 1.5 महीना हो गया, 1.5 महीना तक उनके पास कोई गाड़ी का पेपर नहीं आया, गाड़ी नंबर आया उनके पास, दूसरा गाड़ी का नंबर आया भी, लेकिन जो गाड़ी का जो हम बात जिक्र कर रहे हैं टेम्पो का, उसका नंबर यहाँ पे नहीं आया। तो जब यहाँ पे आया नहीं तो ये फाइन क्या करेंगे? और उससे आप बताइए कि एक गरीब मजदूर को इस समय में देश में राज्य में हर किसी को एक दूसरे को मदद करने की आवश्यकता है, वहाँ पे बताइए एक व्यक्ति को टेम्पो पकड़ने का 15,000 रुपया घूस मांग रहा, तो उसके लिए मैंने कहीं ना कहीं ये गलत हो रहा। तो मैं खुद अपने घर पे हूँ लॉकडाउन के समय में, तो मैं सोचा कि अपने क्षेत्र का बात है, तो मैं खुद SDO साहब से भी और थाना अध्यक्ष और DSP साहब से भी मैंने मिला और वो टोल मटोल कर रहे हैं कि नहीं मैंने ये कर दिया, SDO साहब के पास भेज दिया 1.5 महीना का प्रक्रिया, और अभी SDO साहब बोले कि हमारे पास वो पेपर नहीं आया। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से धांधली किया जा रहा था थाना पे, जिसके लिए हम यहाँ पे आज आए हैं और प्रशासन को अभी हमने दिया है और आने वाले समय पे इस पे हम चाहेंगे कि DGP को हम लेटर भेजेंगे और वो इस पे कार्रवाई करें। नहीं, आप आपको बता दें कि मुकेश सहनी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मुकेश सहनी ने मामले में SSP, DGP, CM को पत्र लिखकर दोषी थाना अध्यक्ष पर कार्रवाई करने की मांग की है।
वहीं खबरों के मुताबिक दरभंगा के एसएसपी बाबूराम ने नगर एसपी योगेंद्र कुमार को इस मामले में जांच का जिम्मा सौंपा है। न्यूज डेस्क।